खुशियों का त्यौहार हो ईद और हम लोग मीठा ना खाएं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चंद मकनी सजनों, मित्रों, परदेसियों, बुजुर्गों, सजनों और बेलियों, मैं हूं ज़ुबैर उस्मान सियाल, परदेसी खाने इन सऊदी अरेबिया। खीर मिक्स खीर है मेहरान की, कोई भी ले लें, एक लीटर दूध लेना है बस। याद रखें, मैं जो सूखा दूध मैंने रखा है इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दें। अगर आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ आपने खीर का एक पैकेट लेना है। ये कम से कम चार बंदों के लिए, आपके लिए काफ़ी, चार पर्सन के लिए। थोड़े से पिस्ते बादाम वगैरह अगर हैं तो भी, ये भी एडिशनल है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। भाई सिंपल सी ट्रिक सीखें और ये चीज़ें हैं, ये अगर आपको दिलचस्पी हो या आप इन चीज़ों का ज़ौक रखते हैं खाने में तो अब भी ये आप चीज़ें लें, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। फिल वक्त चलते हैं हम अपने डिश में। मेरा तो स्टाइल यही है भाई, हम लोग, मैं जब खाना बनाता हूँ तो मैं फिर पूरे हर चीज़ को पूरा करता हूँ। थोड़ा सा भुना बादाम पिस्ता वगैरह, थोड़ा सा लगा के, थोड़ा हल्का सा भुना क्योंकि काला ना हो जाए, जल ना जाए। उसके बाद मैंने एक लीटर पूरा दूध डाल दिया, एक पैकेट में एक लीटर दूध डलेगा। उसके बाद ये जो चीज़ एडिशनल मैं डाल रहा हूँ, ये भी खोपरा है, यानी गड़ी का पाउडर, गरी क्रश करके अगर है तो डालें, नहीं तो छोटे छोटे पीसेस करके आप वो डाल लें। भाई मज़ा लेना है, ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, कभी कभार बनने वाली चीज़ें हैं, या ख़ासकर ईद में तो थोड़ी सी मेहनत करो तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही टेस्ट में और जायके में भरपूर मज़ा आ जाता है। एक पैकेट था दूध को अच्छी तरह से उबाल कर लिया एक दो बार, बहुत ज़्यादा नहीं घोलना। अगर तो आप पाकिस्तानी में, अगर आपका दूध बहुत अच्छा है तो एक डेढ़, एक आधे उबाल के बाद आपने जो पैकेट है ये पूरा डालना है। परदेसी भाइयों जिन्होंने ये पैकेट कभी पहले नहीं बनाया तो उनको मैं फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ एक पैकेट एक लीटर दूध, दैट्स इट। फिल वक्त हम लोग चलते हैं इसमें चीनी, हर चीज़ इसमें, ये परफेक्ट है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें डालने की। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप फिर, आपको ये अंदाज़ा होगा, अगर ज़िंदगी में आपने ऐसे बनाई और मेरे तरीके से बनाने के बाद भी आपको, ये देखिए मेरा उबाल आ गया, अच्छी तरह हिलाना है बस। अच्छी तरह हिलाने के बाद मैंने अपना जो पैकेट था मेहरान खीर, कोई भी खीर ले लें, सब खीर एक जैसी हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। नए आने वाले मेहमान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल खैर। इसके बाद थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा दूध, सूखा दूध, अगर आपके पास है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। वैसे मैं आपको एक और टिप्स दे दूँ, आप अगर बगाला सुपरमार्केट कहीं भी जाएंगे, एक दो रियाल का पैकेट भी मिलता है, अगर वो डाल लें तो भी नो इशू। छोटे छोटे बादाम पिस्ते के पैकेट भी ये मिक्स मिल जाते हैं, दो दो तीन तीन रियाल के, अगर आपको मिलें ठीक है, नहीं है तो ना सही। इसके बाद हमने थोड़ा सा हिलाने के बाद, अच्छी तरह हिलाने के बाद, जो एडिशनल टिप्स है, जो बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसको मेयार में लाने के लिए और इसको जमाने के लिए, कोई भी बर्तन लें, उसमें पानी डाल लें और इसको ऊपर रख के थोड़ा सा हिला लें, अच्छी तरह हिला लें, जितना हो सकता है ठंडा कर लें। ऐसे ठंडे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसका टेस्ट भी होगा और ये भी एक ट्रिक है खाने में टेस्ट लाने के लिए। दैट्स इट, हमारी डिश एब्सोल्युटली सो यमी, परफेक्ट इज़ रेडी। टेस्ट करने में आपको पता चलेगा कि ये इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक लीटर दूध में एक पैकेट, वाओ, मैंने इसमें देख लें, फिर मैंने वो अपना करतब दिखाया, जो हो सकता था मैंने रंग के दो जो चुटकी से छींटे फेंक दी दो चार, दैट्स इट। राइट नाउ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ही बकरा ईद मुबारक, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।